हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे भेज बॉल। भेज बॉल बनाने के लिए मैंने बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, बीन्स, कॉलीफ्लावर और गाजर, कैरेट, मैंने सारी चीजों को बारीक काट लिया। इसके अलावा हमें चाहिए मिर्ची बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता, लहसुन और अदरक, अदरक घिसा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ, कॉर्नफ्लोर और टमाटो केचप और टमाटो सॉस यानी कि विनेगर और चिली सॉस और सोया सॉस। और मसाले में हमें चाहिए धनिया पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर और हल्दी। अब हम लोग इन सारी सब्जियों को एक बाउल में हल्का बॉईल कर लेंगे हाफ मिनट तक। ये देखिए, मैंने बाउल में ले लिया और इस बाउल से मैंने एक बाउल इसमें पानी ऐड करा है और इसे ढक के हम लोग गैस पे हल्का बॉईल करेंगे हाफ मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ये इसमें से मैं आधा वेजिटेबल्स ये जो है मैं निकाल लूँगी और निकलने के बाद इस तरह से बाउल में ले लूँगी और इसे बाद में हाथों से जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इससे पानी निचोड़ लूँगी। निचोड़ के मैं इसमें मिक्स कर दूँगी पानी और इसका मैं बॉल बनाऊंगी। ये देखिए, ठंडे होने पे मैंने इससे पानी निचोड़ दिया है और ये अब ड्राई सा हो गया है और इसका सारा पानी मैं इसमें रख दी हूँ। ये मैं ग्रेवी में यूज करूँगी, ये आधा से ज़्यादा मैं वेजिटेबल्स बॉल बनाने में यूज करूँगी। थोड़ा ये स्टॉक के साथ, पानी के साथ इधर छोड़ देना है। अब हम लोग इस वेजिटेबल्स में सबसे पहले कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। ये मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया, इतना मिक्स करना है कि आपका बॉल अच्छे से रेडी हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे यानी कि नमक। उसके बाद हम लोग इसमें काली मिर्च ये एक चम्मच काली मिर्च हम लोग इसमें यूज करेंगे और इसके अलावा हम लोग इसमें थोड़ा धनिया पत्ता, ये सारा हम लोग डाल के इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके हम लोग इसका छोटा छोटा बॉल रेडी करेंगे। ये देखिए, मिक्स करके इस तरह से हमें आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का आपको बॉल रेडी करना है। इस तरह से भेज बॉल ऐसे ही मैं ये इन सारे का बॉल रेडी करूंगी। ये देखिए, मेरा बॉल ये रेडी हो गया, मैंने इस तरह से गोल गोल बना लिया है। अब हम लोग एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म कर लेंगे फुल फ्लेम पे और इसे फ्राई करेंगे। इसे रेड करके फ्राई करना है, चारों तरफ से हमें रेड करना है। ये देखिए, ये रेड हो गया है। अब इसे हम लोग कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये कढ़ाई में हम लोग सबसे पहले प्याज डालेंगे, ये ऑप्शनल है, मतलब आप प्याज और लहसुन के बिना भी ये बना सकते हैं। अगर आपको प्याज लहसुन नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला है प्याज। इसके बाद हम लोग लहसुन, ये लहसुन ऐड करेंगे, फिर हम लोग इसे दो चार बार चला के फिर इसमें हम लोग ये अदरक ऐड करेंगे। अदरक ऐड कर दिया मैंने और हम लोग इसमें ये हरी मिर्च ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, और इसे हल्का रेड होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो हमारा बाउल में कॉर्नफ्लोर जो बचा था इसे हम लोग
ये जो स्टॉक वाला पानी मैं रखी थी इसे ऐड कर दूंगी और इस तरह से हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर का घोल हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग ये दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम लोग ये टमाटो केचप डबल लेना है। जैसे हम लोग 1 स्पून चिली सॉस लेंगे तो टमाटो केचप 2 स्पून लेना है हमें, और ये सोया सॉस 1 स्पून, और ये विनेगर। ये सारी चीज़ें डाल के इसमें हम लोग थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और इसका एक हम लोग घोल तैयार कर लेंगे। ये हमारा सॉस का घोल रेडी है, और ये मैं अब ये ऑनियन भी हमारा रेड हो चुका है। ये देखिए ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें हो गई है। अब हम लोग इसमें ये जो सॉस का मैंने घोल रेडी किया था ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये ऐड करके इसमें जब बॉईल आएगा, मतलब उबाल आएगा, तो हम लोग कॉर्नफ्लोर का भी घोल ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें ये बॉईल होने लगा है। अब हम लोग इसमें ये कॉर्नफ्लोर का जो मैंने घोल बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ये जो बचा हुआ हमारा ये पानी और ये सब्जी जो था ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फ्लेम को हाई कर दूंगी। और इसमें मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करूंगी। थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा टर्मरिक, और ये ब्लैक पेपर मैं 1 स्पून ऐड करूंगी, और इसमें बॉइल आने का वेट करूंगी। जब बॉइल आएगा तो हम लोग ये बॉल्स इसमें डाल देंगे। बॉइल आने का वेट करना है। ये देखिए ये बॉइल होने लगा। ये बॉइल होने के बाद हम लोग ये जो बॉल्स बना के रखे थे ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर आधे मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी और फिर गैस ऑफ कर दूंगी। ये देखिए आधे मिनट के बाद, ये आधे मिनट के बाद ये हमारा वेज बॉल रेडी हो चुका है। अब हम लोग गैस ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा कोरिएंडर लीफ यानी धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, और इसे हम लोग एक बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा वेज बॉल रेडी है, गर्मा गर्म वेज बॉल रेडी है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।